लता मंगेशकर जी है ना, लीजेंडरी सिंगर थी अपनी कंट्री की। रिसेंटली इन्होंने अभी अपने प्लेनेट को छोड़ा है ना। सक्सेस किसी को ऐसे नहीं मिल जाती, सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस के पाथ में बहुत सारे हर्डल्स को ओवरकम करना पड़ता है। देखिए, व्हेन शी वाज ओनली 13 इयर्स ऑफ एज, जब केवल 13 इयर्स की थी तब इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो छोटे भाई बहन जो थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई थी। तो बहुत छोटी एज से ही इन्होंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया, और सिंगिंग को एक तरह से तपस्या की तरह, कहते ना, पूजा की तरह सिंगिंग करती थी, समझ गया ना। तो किसी के लिए भी सक्सेस, जैसे कहते हैं ना कि अपन को इन लोगों के एग्जांपल से सीखना चाहिए कि सिचुएशन इनके लिए भी फेवरेबल नहीं थी, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया, जैसे मैं आप लोग को हमेशा गाइड करता हूँ। समझ में आया क्या? एंड दिस सॉन्ग इज अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चलिए सुनिए बच्चों, एक प्यारा सा सॉन्ग, हार्ट टचिंग सॉन्ग है बहुत। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खाओ कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। सलूट टू द लेजेंड।